सो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध ली है। सो आज मैं आ चुका हूँ लेके एक नया व्लॉग। अमेजिंग लोकेशन नियर दिल्ली गुड़गांव NCR। सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि मानसून का मौसम चल रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ। इस जगह पे विजिट करना ज़रूर बनता है गाइस आपका, अगर आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, यूपी में रहते हो। गाइस, ऑसम जगह है अराइवल हिल्स। तो आज हम फिर से आए हैं अराइवल हिल्स में। आज बरसात का मौसम है, बारिश काफ़ी अच्छी हो रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा था। ब्रूनो इधर आ जाओ, काफ़ी अच्छा हो रहा था। सो इसीलिए आज हम फिर से इस लोकेशन पर आए हैं। सो चलते हैं GoPro पे, उसके बाद सारी बातें करते हैं, ठीक है? चलिए फिर। सो सबसे पहले गाइस, कैसे हो आप सब? तो देखो, यहाँ इस लोकेशन पे पहुँचना काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा। कुछ नहीं करना है यार, गूगल ओपन करना है, डालना है अराइवल हिल्स और लोकेशन आपके सामने है। इजीली अपने मोबाइल को होल्डर पे लगाना है और चालू करो गाड़ी और निकल जाओ भाई मौसम का मज़ा लेने के लिए। सो काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप संडे को डेफिनेटली विज़िट करना, क्योंकि संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि भाई राइडर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो इस लोकेशन में, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे। अब देखो, मैं यहाँ कर के आ रहा हूँ, बताता हूँ तुम्हें। बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो मैं रुक के थोड़ी सी बारिश की मज़े ले रहा था। तो गाइस, कोई दिक्कत नहीं, अब निकलते हैं आगे। और नज़ारे भाई, तुम देखो, फील करो यार इस नज़ारे को। अगर नहीं गए हो डेफिनेटली जाना, गुड़गांव से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है और दिल्ली से भाई करीबन 30-40 किलोमीटर होगा। सो इजीली विज़िट कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। खाने पीने की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, काफ़ी सारे कैफ़े मिल जाएंगे, थोड़े महंगे हो सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर कार है तो अफोर्ड कर लोगे। सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो, फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, बारिश ने तो ऐसी मारी है, ऐसी मारी है। क्या हुआ बन्ना? ए बन्ना, क्या हुआ? तुम्हें रोड से चलते जाना, एंड में ये पॉइंट आता है जहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे कैफ़े दिखेंगे, काफ़ी सारे यूनिक कैफ़े। सो यहाँ पे विज़िट करके खा पी सकते हो पेट भर के, है ना? बाकी अपने बजट देख लेना। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं पहाड़ के ऊपर। हाँ भाई, पहाड़ के ऊपर भी जाने का रास्ता है, अगर नहीं गए हो तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जाना है। पर देखो यार, चाबी तो मैंने यहाँ लगा दी है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो जल्दी से चलते हैं। देखो बात ऐसी है ना कि ये जो लोकेशन है ना, ये मतलब एक तरफ से हिडन है, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है, पर बहुत लोगों को पता है। और काफ़ी सारे शूट भी होते हैं यहाँ पे, मतलब प्रमोशन के लिए या कुछ गाड़ियों की या फिर कुछ भी, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है? बहुत लोगों को नहीं भी पता है, बट यहीं से देखो आप ऊपर जाने का रास्ता है, तो जब भी आओ तो थोड़ा सा ध्यान दे के आना। यही एक पहला पॉइंट है जहाँ से आप डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर जा सकते हो, बाकी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं पहले बता रहा हूँ। सो आप अपनी गाड़ी लेके ना जाओ अगर ज़्यादा प्यार है तो। बाकी अगर रफ़ रोडिंग करने का ज़्यादा शौक़ है तो ज़रूर आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि मैं स्कूटी लेके चढ़ गया, पर रास्ते देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैंने इसीलिए ब्रूनो को भी उतार दिया था। क्यों? क्योंकि भाई कहीं मैं ना गिर जाऊँ उसके चक्कर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ है। सो उतार दिया मैंने, और ये लंबा करीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ऊपर हमें चढ़ना है। सो एक्चुअल में जो व्यू पॉइंट है वो वहाँ है, पर यहाँ पे टफ़ रोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर है। शायद तुम्हें कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट सीरियसली गाइस, मुझे इसमें चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी और डर भी। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे टायर का डर था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। खैर, ऐसे अभी एक्चुअल में बात की जाए तो मेरी टायर सही में ख़राब हो चुकी है। सो ये ना 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 ना, ये मत सोचना कि यहाँ आ चुके हैं, ये भाई अभी फर्स्ट लेवल है, इसके ऊपर भी जाना है। तो अभी ऊपर जाएंगे, पर पहले ब्रूनो को बैठा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ी सी दूर और है, 1/2 किलोमीटर। तो यहाँ से सीधे सीधे चलते जाना, मज़ा लेते रहना, क्योंकि बारिश देख सकते हो यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट बहुत ज़्यादा प्यारा लोकेशन है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, मतलब मैं इससे पहले भी एक बार आया था, पर मैंने सोचा था कि मैं बारिश में आऊँगा और आप सबको एक्सप्लोर कराऊँगा बारिश वाला नज़ारा। सो यहाँ से कूद मत जाना, या अपने बंदी को मत ठकेल देना। तो अभी और आगे जाना है, अभी ये भी एंड नहीं है, ये सेकेंड पॉइंट है, तो अभी थर्ड पॉइंट तक हमें जाना है, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर जाना है और थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? तो चलो चलते हैं थर्ड पॉइंट तक।
सो फाइनली मेहनत करने के बाद हम थर्ड पॉइंट तक भी पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूटी लेके, ठीक है ना। और हाँ भाई, मैं लेके चला गया हूँ, सबकी बस की बात नहीं है। देखो इस बंदर को देखो, उतरने की जगह गाड़ी पे बैठ रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मतलब मेरे भ्रूण ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था। चलो सो गाइस, हमने फाइनली स्कूटी ऊपर तक लेके आ गया हूँ। तो ये होती है बात, इतना ज़्यादा रफ रोड है ना, उसके बावजूद भी हम तो पैदल चल के आए हैं। बट सीरियसली गाइस, मज़ा आ गया। टायर का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा क्योंकि काफ़ी सारे गिट्टी है यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर है। बहुत आप मत लाना क्योंकि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। चलो फिर दिखाते हैं नज़ारे आपको यहाँ पे अराइवल हिल्स का। देख सकते हो गाइस, मतलब क्या मौसम है, कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में ये मेरा ब्रूनो, देख सकते हो ऊपर आने के बाद क्या नज़ारे लग रहे हैं, कितना प्यारा है। सो देख सकते हो, चलो आपको यहाँ से व्यू पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि एक टॉप पे व्यू पॉइंट है जहाँ से आप बैठ के आराम से फोटो शूट कर सकते हो, देन थोड़ा सा फील ले सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा संभल के आना, देख सकते हो रास्ते थोड़े से ख़राब हैं, तो आराम से आना है। पॉइंट है जहाँ से आप बैठ के नज़ारे ले सकते हो। मैंने चप्पल खोल दिया यहाँ पे क्योंकि स्लिप करेगा, मैं गिर जाऊँगा। सो ये है फाइनल, और यहाँ से आप जो है पूरे अराइवल ही का जो है मज़ा ले सकते हो। लुक एट दिस गाइस, ये है टॉप पे एकदम, यहाँ से रोड है जहाँ से हम आए हैं, और ये पूरा नज़ारा है। साथ ही साथ आप मौसम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा है, अमेजिंग मौसम है एकदम। और साथ में आप ये नीचे खूबसूरत से रोड देखो, व्यू देखो, शायद आपको मोर की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोर हैं, मोर की आवाज़ आएगी आपको। और लुक एट दिस गाइस, बट एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी कि लोग यहाँ पे आते हैं, खाते हैं, और यहीं पे रैपर वगैरह फेंक के चले जाते हैं। सो ये बहुत गंदी चीज़ है। सो हम वहाँ से आए हैं और ये ऐसे घूमते हुए, तो काफ़ी ऊपर है, तो मैं बाइक लेके आ गया हूँ, कार नहीं आ सकती, बाइक आ सकता है अगर आप रफ रोड लव ऑफ रोडिंग करना आता हो। बाकी देख सकते हो गाइस, सो लुक एट दिस गाइस। सीरियसली मैं कि अभी मानसून के मौसम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब सही जगह है यहाँ पे आने का, ठीक है। तो ये एक मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेस बोल सकते हो कि आप मानसून में यहाँ पे आ सकते हो, कोई बजट नहीं कुछ नहीं, आराम से आप यहाँ पे आओ। तो गाइस तो हम जा रहे हैं नीचे। ये रास्ता कितना खतरनाक है, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से पूरा गड्ढा है। ब्रूनो नीचे उतरो, नीचे उतरो, जा नीचे उतरो, नीचे उतरो, ब्रूनो जा नीचे उतरो, क्योंकि ना ये हिलता बहुत है, तो ये मेरा बैलेंस बिगाड़ देगा। चलो 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 चलो, आ जाओ
आ जाओ, ये चले, चलो सो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और साथ ही लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। देन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार।